the colors. Finally, I can say that I'm coming the early risers club, and I feel so happy about it. And the motivation that you find when you wake up before the sun is rising is wonderful. So ye habit is here to stay for sure. And in New Year, I've told myself that I'm going to be doing new things, trying new things, go out of my comfort zone, socialize. So the first task of the new year is here. Comrade, this is our car, and Nikhil has decided that today is day one of learning. Nikhil ka learning nahi, mera learning. Learning to drive this car. जब से ये गाड़ी ली है मैंने निखिल को बोला आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव इट बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिक तो ईजी भी होगा. लाइक आई ट्राइड लर्निंग बिफोर आई मैरिज इन वेन्यू देन आई गॉट प्रेग्नेंट आई कुडंट. नो नो, बिफोर स्काई वाज बोर्न, आफ्टर मैरिज तेरे को सिखाया. बट शादी के पहले भी रिमेंबर मतलब बताया नहीं, तू यहाँ से पवे से मलाड खुद चला के गई थी. हाँ बताया नहीं, एक्चुअली लाइसेंस नहीं था, बता नहीं सकते. बट अभी मैंने ब्लॉग में कवर किया, आई थिंक आई फॉरगॉटन एवरीथिंग, ऑल द बेसिक्स. तो ये दिस इज द इजीएस्ट कार यू कैन लर्न. आई एम सो नर्वस. बट दिस इज द इजीएस्ट कार यू कैन लर्न. इफ यू डोंट लर्न दिस देन यू शुड नेवर लर्न. ओके चलो पहले मैं बैठता हूं. लेट्स सी इफ यू आर अ गुड टीचर. आई विल बी अ वेरी गुड टीचर. अ गुड टीचर कैन टीच. लेट्स गो. नंबर वन रूल ऑफ लर्निंग एनीथिंग इज डोंट हैव फियर. मैं बोलूंगा लोग आते डरने का नहीं, फियर नहीं करने का. ठीक है, लोग क्या करते हैं, गाड़ी आई, मैंने भी किया है, सबने किया है. बट कोई हमारा बाप है चल चला ऐसे करते थे. हाँ, नहीं ऐसे सिखा देते. क्या को डर रहा है तू, है क्या डर रहा है, मार थोड़ी रहा है तू. तो वो टाइम नहीं समझ में आता. बट देन द सूनर यू लर्न दैट द बेटर. ब्रेक मारा, ब्रेक इज लेफ्ट या राइट? हाउ कैन बी ब्रेक राइट शैनस, ब्रेक इज लेफ्ट ना. आई एम एब्सोल्युटली क्लूलेस. अगेन तूने गाड़ी चलाई है शैनस. पर मैं भूल गई हूं. ठीक है, मैं आई विल कंसंट्रेट लाइक अ गुड स्टूडेंट, आई विल ट्राई टू लर्न. ठीक है, ठीक है, दिस टाइम आई डोंट गिव अप. चलो. सो यू ओनली ऑटोमेटिक कार या मैनुअल कार, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर यू ओनली कंट्रोल फ्रॉम योर राइट हैंड, राइट लेग. ओके, निखिल बोल रहा है अभी हम पार्किंग में जाके सीखेंगे, बस यहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं. सो लेट्स गो टू द पार्किंग लॉट. हनीफ तो डरेगी, वो तो नर्वस होगी. तो पार्किंग में तो बेसिक सीख जाएगी ना, गाड़ी बहुत इजी है. चल, वेरी गुड, डूइंग गुड जॉब. एक्सीलरेटर दे, दबा दबा और जोर से दबा. जब बोलूंगा तब छोड़ना वो गाड़ी, तभी एक्सीलेटर छोड़ देना. अभी दबा दबा दबा, अभी छोड़ना है. देख कैसा पीछे अपने आप आती है. सी, डोंट नीड वरी. एक्सीलेटर दे, स्पीड इतना स्लो मत कर. अभी राइट कैसे लेगी, ले ले एक्सीलेटर, देख राइट ले. अभी एक्सीलेटर मत छोड़, स्टीयरिंग छोड़ दे, एक्सीलेटर मत छोड़. तू अगर दबाएगी ना, वो नहीं छोड़ देगी तो फिर स्टीयरिंग भी नहीं घूमेगा. अभी एक्सीलेटर दबा और स्टीयरिंग लूज कर. एक्सीलेटर दबा, थोड़ा और उसे दबाने का. शैनस इज स्केर्ड बट शी इज डूइंग गुड, वेरी नाइस. थोड़ा एक्सीलेटर, थोड़ा स्लोप है ना, अभी एक्सीलेटर देना है. अभी थोड़ा राइट ले, इंडिकेटर दे. ब्रेक एक मिनट, ठीक है नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट चीज है. अभी गाड़ी सीधा करो, सीधा जाना है यहाँ से. जस्ट फिनिश डे वन ऑफ लर्निंग हाउ टू ड्राइव. आई थिंक इट वाज गुड. It was good, but तू डरती है. मैं डरती हूँ. पहले रूल बोला कि तू डर मत, तू डर रही है. बट निखिल मेरे से एडवांस चीजें कराता है, लाइक टर्न कर, पार्क कर, इतने शॉर्ट लेन में अंदर ले. तू कंप्यूटर है, जो मैं बोलू वो कर, तू वही नहीं कर रही. बट किया, थोड़ा बहुत किया. बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी, आई डिडंट हैव दैट मच होप्स ऑल्सो फ्रॉम माई सेल्फ. बट मैंने आज बोला कि मैं ट्राई करूंगा, विल गेट नर्वस बट आई विल ट्राई. सो आई थिंक द फर्स्ट हाफ एन आवर, फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इट वॉज गुड. उम्मीद दिख रही है सीखने की. एवरी डे करेगी तो प्रो हो जाएगी. प्रो हो जाएगी ये गाड़ी में, बट बाहर ट्रैफिक में प्रो के बाद बाहर निकलेंगे ना. अरे कुछ नहीं है रे, बहुत इजी है. एक बार तू बेसिक चीज सीखी, ब्रेक मारना, टर्न लेना, सब करना, फिर बाहर लेके जा. फिर वो फिर अभी देखो ये डर लग रहा है इसमें करने को बेसिक चीज, फिर देखो वो डर लगेगा. फिर जब देखो वो डर लगेगा, फिर तो पीक ट्रैफिक में जाएगी, फिर देखो वो डर लगेगा. और फिर तो फाइनली आदमी का दुख दर्द समझेगी ट्रैफिक का, तेरे डैडी का और मेरे डैडी का. वेरी गुड. एवरी डे नाउडेज आई एम गिविंग माई सेल्फ टास्क कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ताकि जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो सारी हो जाए. एंड यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल कोट दैट आई हर्ड ऑन इंस्टाग्राम रील्स, बट दिस वॉज वेरी वेरी इंस्पायरिंग. ओके, इट्स लाइक द सक्सेस दैट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग. एंड बहुत सारी बार ऐसे होते हैं कि आई वॉन्ट टू डू सम थिंग्स, आई नो इट्स गोना वर्क आउट फॉर मी, इट्स गोना मेक माई लाइफ बेटर, इट्स गोना गिव मी मोर सक्सेस, बट मैं लेजीनेस की वजह से नहीं करती. बोलती हूँ अगली बार कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, ये वो, और फिर वो कभी आता ही नहीं है, कल नहीं आता है, बाद में नहीं आता है, एंड वो काम नहीं होता है. बट दिस ईयर कॉन्शियसली गाइज, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जैन के इनफैक्ट आई थिंक 10 डेज बिफोर दिस ईयर वाज एंड 2023 वाज एंडिंग, आई हैव स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि जो भी करना है मुझे करना ही करना है. लाइक आई एम फॉलोइंग द 5 सेकेंड रूल. इट्स लाइक
whenever मेरा दिमाग बोलता है कि आई नीड टू गेट अप एंड आई फील लेजी आई काउंट 1, 2, 3, 4, 5 और मैं उठ जाती हूँ. लाइक इफ आई थिंक आई वॉन्ट टू कुक आई काउंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड आई जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक आई काउंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग. आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी इंस्पायर्ड एंड आई विल रियली रेकमेंड द बुक 5-second रूल बाय मेल रॉबिन्स. इट्स सच अ गुड रीड. इट विल चेंज योर लाइफ. मे बी आई बिन अप्लाइंग इट फॉर द लास्ट 15 days एंड माई लाइफ सीम्स ऑलरेडी बेटर. आज का मेरा टास्क है बहुत सिंपल. इफ यू गाइज फॉलो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम इफ यू न्यू year high. This is the most favorite room in my house. Okay, it's like a small, I would say 50 square feet place that I really really love. इसमें मैं अपना makeup सामान bag अपना makeup यहाँ पे करती हूँ. And to me this room is very sacred, so I always keep it very clean and organized. But I think from a long time यहाँ पे बहुत सारा पानी का leakage हो रहा था. मैंने अपने सारे जो bags हैं महंगे महंगे bags cupboard के अंदर switch कर दिए because I don't want them to get spoiled with moisture or water. सो इसलिए. बट दिस प्लेस लाइक आई ऑलवेज कीप माई मेकअप हेयर एंड यू गाइज माइट नो कि मैंने इस बार बोला कि मैंने अपने यू एस वाले ट्रिप पर बहुत सारा मेकअप शॉप किया है. शॉप फॉर अ लॉट ऑफ मेकअप आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5-2 years. तो आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू मेकअप एंड आई वॉन्ट टू. क्या होता है ना अगर आप अपने मेकअप को अच्छे से ऑर्गेनाइज ना करो ना तो यहाँ वहाँ ड्रॉज में पड़े रहते हैं एंड यू डोंट हैपन टू यूज एवरी प्रोडक्ट एंड देन वैन यू सी दैम दे आर वेरी क्लोज टू एक्सपायरिंग. तो मैंने सोचा कि इस बार आई विल जस्ट ऑर्गेनाइज एवरी थिंग इन दिस रूम एंड कीप माई मेकअप एकदम सामने मेरे ओके. सो आई कैन यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड यूज लाइक क्रिएट डिफरेंट लुक्स. तो उस तरीके से मैंने सारा जो मेकअप लिया है वो सब यूज भी होगा. सीन पीपल डूइंग दीज अमेज़न फाइंड वीडियोज जहाँ पे लोग अमेज़न पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है. सो आई ऑर्डर्ड क्वाइट फ्यू स्टफ फ्रॉम अमेज़न इंडिया टू ऑर्गेनाइज दिस स्पेस. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे. तो मैं आपको देती हूँ एक क्विक हॉल ऑफ द थिंग्स दैट आई बॉट फ्रॉम अमेज़न टू ऑर्गेनाइज दिस रूम. तो सबसे पहला आर दीज ऑर्गेनाइजर्स दैट आई गॉट. ये 9 वाले सेट में आते हैं एंड यू कैन कीप योर डिफरेंट फाउंडेशन एंड मेकअप एंड एवरी थिंग एंड ऑर्गेनाइज दैम नाइसली इन प्लेस. मुझे ये बहुत अच्छा लगा. आई थॉट आई नीड क्वाइट अ लॉट. तो मैंने 2 सेट मंगाए एंड दीज वर क्वाइट अफोर्डेबल इज वेल बट दिस इज रियली नाइस. Like I like the compartments. इसीलिए मुझे बोला that accessorizing is key while you dress up. अगर आप accessorize नहीं करते outfits don't really make the punch. तो I have got myself quite few accessories on this trip as well. तो I don't want कि वो यहाँ वहाँ घूम जाए because accessories नहीं पता यार कोई. मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यार एक ऑक्सीडाइज चेन खरीदी थी कहाँ गई मुझे पता ही नहीं. सो आई हैव गॉट दिस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर फ्रॉम अमेज़न. मेरे पास इतना सारा ज्वेलरी है नहीं. सो आई लाइक दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर मी. बट दिस इज नाइस कंपार्टमेंट्स दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ मूव एंड अ लॉट ऑफ स्पेस नीचे एज वेल. तो आई एम गोना बी यूजिंग दिस एंड इट लुक्स वेरी वेरी एस्थेटिक. आई लाइक द वे इट लुक्स. इट्स सो क्यूट. तो ये यहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजर पे बहुत अच्छा लगेगा विथ माई ज्वेलरी. द थिंग दैट आई बॉट ये है रोटेटिंग शेल्फ फॉर माई मेकअप एंड स्किन केयर. सो मैं स्किन केयर रोज करती हूँ एंड ऑल्सो दैट अ लॉट ऑफ मेकअप दैट यू सॉर्ट ऑफ यूज एवरी डे एंड प्लेस फॉर योर ब्रशेज. तो आई बॉट दिस एक वैनिटी मिरर. तो इसको आप ऐसे ही रख सकते हो. एक्चुअली आई डोंट हैव अ प्रॉपर मिरर इन दिस रूम. लाइक बहुत दूर है. सो वेन एवर आई वॉन्ट डू समथिंग वेरी क्लोज बिकॉज मेरे आंखों में नंबर है तो मैं चश्मा नहीं पहनती ऑफकोर्स मेकअप करते वक्त. तो कभी मुझे क्लियरली दिखता नहीं है कि मैं कैसी चीज़ें कर रही हूँ या इट्स वियर्ड. लाइक इफ यू हैव लाइक अ नंबर ऑन माइनस इट बिकम्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू सी इफ यू इन द मिरर दैट्स फार कि ये मेकअप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो आई वॉन्टेड अ मिरर दैट आई कैन होल्ड इन माई हैंड और जस्ट कीप क्लोज एंड सी कि अच्छे से मेकअप हो रहा है. सो आई बॉट दिस मिरर. इट वॉज अ फॉर अ वेरी गुड डील 399 rupees एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये पूरा ऐसे खुलता है एंड यू नो यू कैन कीप योर मेकअप यहाँ वहाँ साइड में अगर चाहिए तो या इवन स्मॉल ज्वेलरी. एंड दूसरे साइड पे दैट इज़ लाइक 10 times मैग्नीफाइंग एंड दिस इज़ लाइक द नॉर्मल मिरर. एंड इसको जब आप ऑन करते हो प्लग करके सो इट हैज़ लाइक एन LED लाइट. सो ऑल द मोर बेटर. तो मैं जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती हूँ ऐसे या फिर ऐसे. सो आई लाइक इट. कि सामान जो मैंने इस रूम में ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया है दैट्स नॉट येट इट डिलीवर्ड. उसको टाइम लगेगा. सो वंस इट्स डिलीवर्ड आई विल गिव यू गाइज अ हॉल ऑफ दैट टू. बट लेट मी नो इफ यू गाइज लाइक सीइंग अमेज़न फाइंड्स एंड आई विल मेक वीडियोज फॉर यू गाइज लाइक दैट. A lot of makeup, so I'm going to just organize everything here neatly. This is the next day. कल मुझे बाहर जाना था, so I didn't get the time to do this. But today I'm like, I'm just going to nicely organize all my makeup in here. I have got so much new makeup from Ulta Beauty and from different places in the US. कि इन सबको यहाँ पे मैं अच्छे से fit करने वाली हूँ. और ये है सारे खाली डब्बे. All the makeup that I bought, literally like so much.
सो जो भी मेकअप मेरे पास इस घर में यहाँ था मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है. द रेस्ट ऑफ द मेकअप इज इन द अदर हाउस सो आई विल ट्राई टू गेट सम ऑफ माय फाउंडेशंस एंड एवरीथिंग एंड अरेंज इट बट आई लाइक हाउ ऑर्गेनाइज्ड एंड नाइस दिस इज लुकिंग. साइड बाय साइड वी स्वे देयर इन ऑल द कलर्स सम I'm quite happy with the way I arranged my new makeup. Yes, ये सारा का सारा 85% is new makeup and the rest of it is old जो इस घर में है. बाकी सारा का सारा अपने हमारे दूसरे घर पर रखा हुआ है because I mostly shoot there or go out from there. तो सारा makeup वहाँ पर रखा है. So some of the stuff that is really good and I would use it every day. वहाँ से ला के मैं भी अच्छे से यहाँ पर organize कर दूँगी. But I'm so happy that I was able to organize my makeup and it's kind of looking so neat and nice. And मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे पास इतने सारे आई शेडो पैलेट्स हैं. लाइक डूड आई हैव सो मेनी थिंग्स नाउ टू बी यूज्ड एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट इट लुक्स लाइक दिस. ऑर्गेनाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बीट ऑर्गेनाइजिंग योर मेकअप योर हाउस और योर लाइफ. सो अच्छा लग रहा है मुझे फिलहाल. एंड अभी निखिल का प्लान है दैट वी शुड गो वॉच हनुमान द मूवी. उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए. आई एक्चुअली वॉन्ट टू सी एनिमल बिकॉज मुझे US में देखने नहीं मिला. सो आई वॉन्ट टू सी एनिमल बट निखिल इज लाइक नई हनुमान देखने चलते हैं. सोच रही हूँ कि आई डू अ वेरी नाइस क्विक ग्लैम ब्यूटिफुल मेकअप लुक बिकॉज इस 2024 में आई हैव लाइक सॉर्ट ऑफ मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि हर बार जब मैं बाहर जाऊँगी सो आई टेक सम एफर्ट्स इन ड्रेसिंग अप बीट वाइल डूइंग माई मेकअप और बीट वाइल वेयरिंग आउटफिट्स. आई थिंक वेन यू लुक गुड यू ऑटोमेटिकली फील गुड एंड दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई वॉन्ट दिस ईयर. तो येस यू विल सी मी दैट अब से आई एम गोना पुट मोर एफर्ट बीट फॉर एनी थिंग. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न न्यू हेयर स्टाइल्स ताकि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ. सो या आई एम होपिंग फॉर इट कि पूरा साल वैसा ही जाए जैसे मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ. ऑलवेज यूजिंग सनस्क्रीन. सो स्टूपिड आई एम लुकिंग लाइक दूर और मेरा मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ जबकि ये बॉर्डर मेरा. सो this is better. I honestly just like to wear sunscreen below my makeup and nothing else. Only very rarely jab mujhe bahut hi zyada heavy makeup karna hai for an event or something I like to put primer as well. But otherwise just sunscreen would do the work. And this one's quite nice, the one that I use, it has hyaluronic acid. So it just does the job. Main kabhi kabhi moisturizer bhi nahi lagati if I don't need it. Main hair band leke aayi hu to I'm like might as well hair band pehen lu apna makeup karte waqt. I think this looks so much neater and nice. And puts all your hair behind, वरना सब कुछ जो है बीच में आते रहता है. And also guys, please comment and let me know how do you wear these hair bands properly. मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ. जब भी मैं hair band लगाती हूँ I'm like I don't know if it's looking good because ये जो इसका part होता है ऊपर का bow and all that just sort of stands out and I don't know if it's supposed to be just this way or what. I'm just figuring it out. Foundation, I'm using this 2% niacinamide high coverage foundation by the Dermaco, one of my favorite foundations. Like this is the second bottle guys and main isko itna use kiya hai as a flawless finish and it comes in 7 shades also if you guys are interested. So you know it suits sort of all skin types. Isme hyaluronic acid hai so it gives you like a nice plump dewy look. It has 2% niacinamide तो ये acne spots, dark spots को भी fight करता है and it gives you like a more even toned skin. So I really like that and like I don't know कितनी बार मैं लोगों को बोला था I just love the Dermaco's BB cream and also their foundation. It is just so amazing. Like I think I've gifted it to almost all of my friends who wear makeup because this product is just so amazing and you need to have it. And also ये like dermatologically tested है so it's really safe on skin plus it comes with SPF 40 so you can wear it out throughout the day. It is like 12 hours long stay. It's very beautiful dewy finish. आपकी पूरी skin के redness को marks को blemishes को अच्छे से cover करता है and it gives this beautiful hydrating glow and very nice coverage. Like it gives amazing
हाई बिल्डेबल कवरेज. अगर आपको लगता है कि यू नो यू हैव टू मेनी मार्क्स ऑन योर स्किन, यू कैन जस्ट यूज अ लिटिल मोर प्रोडक्ट एंड योर स्किन विल लुक जस्ट अमेजिंग एंड इट्स सो ईजी टू ब्लेंड. सो आई रियली लाइक दैट. आई एम यूजिंग शेड 02 न्यूड. दिस इज जस्ट द परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन. गाइज कैन यू सी लाइक इस साइड पे इट्स जस्ट दिस फ्लॉलेस कवरेज एंड यहाँ पे यू कैन सी माई स्किन लाइक थोड़ा सा रेडनेस एंड मार्क्स लाइक ये सब जगह पे एंड यहाँ पे इट्स जस्ट दिस फ्लॉलेस एयरब्रश्ड काइंड ऑफ लुक. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है इवन दो इट्स लाइक अ फुल कवरेज फाउंडेशन. इज यू लाइक अ 12-hour ऑयल कंट्रोल इज वेल. फाउंडेशन डज नॉट ओनली कंसील इट ऑल्सो हील्स. इट हैज लाइक स्किन केयर एंड मेकअप इन वन प्रोडक्ट. आई बेस इज डन एंड आई थिंक कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. थिंक आई नीड सेटिंग पाउडर सो मच बिकॉज अभी जो वेदर है बाहर इट्स क्वाइट इन माई फेवर. आई लव विंटर्स. फाउंडेशन का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड. आप यूज कर सकते हो शैनस 2023 टू गेट 20% ऑफ ऑन द डर्माको एज ऑलवेज ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू बाय. फॉर माई ब्राउज आई मोस्टली यूज दिस एंगल्ड ब्रश. आई थिंक इट मेक्स माई ब्राउज सो डिफाइंड. सी दिस आई शेडो स्टिक फ्रॉम कलर पॉप. आई रियली लाइक दिस शेड. It looks really nice and it's like the perfect everyday eyeshadow and so easy to use. Isliye I got this for myself. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love. Blush. I'm using this Never Glow Up lipstick from Too Faced. So cute. This is new and it's so cute. That heart is so cute. Washed in every shade of green and all the colors. I'm so into glossy lipsticks these days and I think this looks so pretty. Since main bahar ja rahi hu, so I'm going to set my entire makeup with this new spray that I also got in the US because I found that this is really expensive yeah in Mumbai. Like I tried to buy Urban Decay from Nykaa and it was really expensive, lekin mujhe Ulta Beauty mein ye bahut kam price mein mila. So I was like, wow, this is like less than half the price that I'm paying in Mumbai. So I got this, give it a nice shake, and this is an amazing spray. This is one of the most amazing sprays I've used after the Huda Beauty spray. Like ye spray mujhe zyada pasand aaya because this keeps my makeup intact all day long. So I love it. Makeup turned out amazing. I just love it. It's lightweight but it's very beautiful. I'm going to try to wear this hairband. Comment down karna, mujhe batana if you like how this makeup look turned out. And I'm just gonna quickly go and see कि इस हेयर बैंड पे कौन सा आउटफिट मैच करेगा. आई नो आई एम सो क्रेजी. आप लोग सोचते हो कि सब लोग पहले आउटफिट पहनते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा हेयर बैंड जाएगा या नहीं. बट आई एम डूइंग इट द अदर वे अराउंड बट इट्स ओके. अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो देन आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गर्लीज. आई एम फाइनली डूइंग अ गिव अवे ऑन माई चैनल. आई थिंक बहुत टाइम हो गया कि मैंने कोई गिव अवे नहीं किया. सो आई वॉज लाइक यू नो वॉट फॉर न्यू ईयर्स आई एम स्टार्ट विद अ गिव अवे एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं एटलीस्ट हर महीने एक गिव अवे कर सकूँ आप लोगों के लिए. आई हैव दिस बॉक्स फुल products worth 6,000 rupees or more and isme 11 products hai. So I'm going to give this all away to one of you. Participation in the giveaway is very simple. Aapko make sure karna hai ki aap mere Instagram pe follow kar rahe ho, subscribe to my YouTube channel and aapko niche comment karna hai aapka Instagram handle along with the year you started following me and why, and I will just randomly select the winner and main agle vlog mein winner announce kar dungi and then you will get this box of all the amazing products. Maybe I'll try to just add in my favorite foundation of Dermaco ke andar. Once I select the winner, I will ask you guys what your shade is and fir main usko bhi is box mein dal dungi. But yeah, that's the giveaway and all the best. Talk about plans being cancelled. Hamara movie ka plan cancel ho gaya because jo movie ka tickets mil rahe the wo after 5 and 6 o'clock ke shows mil rahe the. That means they would end at 8-9 and 10 baje hum so jate hain and sare shows bahut dur dur hai. तो निखिल ने बोला लेट्स जस्ट सिट एट होम एंड आई टीच यू ड्राइविंग इंस्टेड. लेट्स गो फॉर अ वॉक एंड स्टफ. सो ड्राइविंग लर्निंग डे 3. कल एक दिन का ब्रेक हो गया तो मुझे लग रहा कि मैं भूल गई हूं. नहीं नहीं ऐसे कोई भूल नहीं सकता. बैठ जा ऐसे खड़े मत रहो. ठीक है. और शैनिस मैडम एकदम प्रो हो गई है. अभी उसको इतना डर नहीं लगता. हालांकि मैं उसको मैं रोड पे लेके गया. कैसे राइट लेना है बता. वाओ
क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सीधा ओहो लो स्टेयरिंग, क्या बात है। अब स्पीड ब्रेकर को कैसे लेके जाएगी, बोल बोल के कर, बोल बोल के कर। अभी पहली बात तो राइट मुड़ूंगी, हाँ फिर स्लो करेगी, हाँ स्लो, और फिर उसके बाद में हाँ वेरी नाइस। गाड़ी को लेफ्ट में रख, राइट में मत रख, यहाँ थोड़ा लेफ्ट में रख, और ये नंबर ट्राई मत करना गाइस, ये बैंक का है। वेरी गुड, थोड़ा राइट, वेरी गुड। निखिल ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, विदाउट टेलिंग मी ही टुक मी ऑन द रोड एंड वहाँ पे लाइक जस्ट ड्राइव एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक बिकॉज दिस इज पीक टाइम, सारे ऑफिसेज छूटते हैं इस टाइम पे। आई वाज सो नर्वस बट आई वाज लाइक जस्ट नीड टू गेट डन विद इट बिकॉज निखिल मुझे पता है कि बिना ट्राई के तो मुझे हार मानने नहीं देगा, बट इट वाज फन बट वाज वेरी नर्वस यार। यार 2% गलती की, बाकी तो सब अच्छा किया था। फिर भी बहुत डर लगा मुझे, इतनी फटी मेरी कि मैं तुझे क्या बोलूं, तो डर तो लगी। आज बहुत लोगों ने बहुत गाली दी मुझे, मैं थोड़ा स्लो चला रही थी, गाली देना अच्छा है, एक्सीडेंट करना गलत है। मच्छर बैठी उसका यू Caillou is playing with Dada. निकल जिंदगी भर कभी फुटबॉल नहीं खेला, अभी फुटबॉल खेल रहा है बड़ा। What is this Caillou? Early morning मस्ती with Dada. दुल्हन बना रही है डैड को, डैड को बंडाना पहना रही है वो। So sweet, रे। Her laugh is so sweet. आज आके हम लोग को exactly एक हफ्ता हो चुका है from the US and I think I'm so proud of us कि हमने जो भी plan किया था while coming back from US, that we'll try waking up every day in the morning, making a morning routine, sleeping early, following a good no phone, no social media after 9:30 in the night वाला rule and I think it's going so great. तो हम रोज उठते हैं, walk पे जाते हैं, gym भी जाते हैं and it's so sky. Hey, no touching your lips to it. चलो चलो किसी का भी उठा के ले रही है यार रोड पे। आज वॉकिंग के बाद हम कर रहे हैं कटिंग, चाय पी रहे हैं, अच्छा लगता है ऐसा सब करने। वी ऑफ माई कॉलेज डेज व्हेन आई यूज्ड टू हैव कटिंग चाय एवरी सिंगल डे आउट ऑफ इट एंड इट वाज टू बी रियली फन। और हमने बोला आज पी लेते हैं, पूरा इम्यूनिटी को अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो इस टेस्ट का है ना, इस चाय का टेस्ट होता है ना, अनबीटेबल, इतना अच्छा टेस्ट होता है। Sky like मुझे भी दो यार, लेकिन Sky you want tea? You want tea? दो मुझे। देख मुझे हाथ डाल रही है। Give Here I really want to change my style, तो मैंने अपने लिए थोड़े skirts मंगाए। So like let me wear these skirts. They are like these long skirts. नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई क्या बोलते हैं इनको। But I ordered two of them, one in this print and वन इन दिस प्रिंट एंड आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस। ऑफकोर्स अभी फिलहाल इसके ऊपर तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, फिलहाल तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है ऑन द टी शर्ट दैट आई एम वेयरिंग, बट दिस ईयर आई एम वेरी कीन कि मैं अपने स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। सो होपफुली दिस विल लुक गुड। आई सॉ दैट दीज लुक रियली गुड विद निटेड स्वेटर्स एंड स्टफ, तो मैंने सोचा चलो कभी बाहर जाना होगा तो आई विल मैच दीज ऑन माई निटेड स्वेटर्स एंड मे बी लुक लाइक अ नाइस विंटर क्यूट आउटफिट। सो लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टाइलिंग इट। और मैंने पहली बार फॉर सम रीजन मिंत्रा से शॉप किया, आई डेंट नो दैट मिंत्रा पे इतनी अच्छी शॉपिंग होती है, बट आई हैपन टू शॉप फ्रॉम मिंत्रा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माई एक्सपीरियंस इज एक्चुअली गुड। लाइक पहले मैंने बहुत सारे मिक्सड रिव्यू सुने थे कि मिंत्रा इज नॉट दैट ग्रेट एंड दिस एंड दैट, बट माई माइंड सेट इज कम्प्लीटली चेंज, सच अ नाइस प्लेस टू शॉप। एनी वेज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू गाइज इन्जॉयड इट एंड लेट मी नो अगर आपको ऐसे लॉन्ग व्लॉग्स देखने में मजा आता है। आई विल मेक श्योर दैट आई मेक लॉन्ग एंड नाइस वीडियोज फॉर यू गाइज, बट मेक श्योर यू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।